Fairburn. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders? We wait for air cover from our boys in the RAF. And once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here, then proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. That's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. We aren't landing with those searchlights on. Take them out. Won't be a problem. Should scout the shoreline with binoculars. Spot my targets. Namaskar, Devi or Sajjanam, my dear Damdar Kingsman. Mess around, do you? See you on the other side, Sullivan. ढिंढोरा पिटवा दो मामा, तुम्हारा दमदार स्नाइपर वापस आ चुका है। हम हमला 3 तरफ से करने वाले हैं। पहला हमला आपने देख लिया, इस साइड से होगा जो एयरफोर्स जाने वाली, जहां पे वेस्ट साइड से हम करने वाले हैं, मतलब हमारी टीम जो ये सबमरीन में आई हुई है। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है, यहां जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगी हमारी टीम को। इसलिए मुझे पहले यहां मामला क्लियर करना होगा ताकि हमारी टीम यहां एंट्री ले पाए। और इसके साथ ही साथ टाउन में कोई ब्लू वाइपर है, कोड ब्लू वाइपर, हमारा कोई टीम का सदस्य जिसे जाके हमें मुलाकात करनी है। Oh man, I miss this. एक बार फिर से बोले, नमस्कार देवियों और सज्जनों, and my dear दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं स्नाइपर एलीट 5 का पहला एपिसोड। आरंभ करते हैं बेबी। काफी इंतजार किया आपने, नहीं मैंने ही बहुत मिस किया, बहुत। अभी एक बार बस कंट्रोल्स पे हाथ सेट होने का इंतजार है, फिर तो फाड़ कर देंगे। Should be able to climb my way up there. Get a good vantage point down on the beach. क्योंकि कुछ चीजें और भी होंगी जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं इस वाले पार्ट में, जो शायद पहले नहीं थी, तो मुझे उनसे रूबरू होना है। मैंने ही ठोका था उसको, फिर तो ये रही उसकी बॉडी। Guess I grabbed everything useful. और हाँ, अगर यहाँ मालूम चला इन लोगों की कोई है यहाँ पे जो दुश्मन के टीम से अंदर घुस चुका है, तो समरी हमारी सेफ नहीं रहेगी। यही Can't give away my position.
यही कारण था कि उस कैप्टन ने हमें ये बोला, सॉरी कैप्टन नहीं, उस बंदे ने हमें ये बोला कि जो भी करना शांति से, बिना किसी को भनक भी नहीं लगे, और तुम उनको ठोक के आराम से आगे बढ़ो, यूटिलाइज करो डिफेंसेस को ताकि हम एंट्री ले पाए। डैमेज मिला है क्या मुझे? लुकी लुकी बेबी, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। ऑब्वियसली पहला एपिसोड है, इसलिए किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में इसका कोई भी लाइव एपिसोड नहीं आएगा, तो प्लीज वेट मत करना उसके लिए, और आप इंजॉय करो ऑफलाइन वीडियोस। किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, उसका रीजन भी बहुत बड़ा है कि मैं इसको पीसी पर खेल रहा हूं और लाइव सारी होती है PS5 पे। इवन अगर लाइव PS5 पे नहीं भी हो रही होती पीसी पे, तो भी इसका लाइव नहीं बनता। ये ऑफलाइन आराम से चाय की चुस्की लेते हुए, बियर के सिप लेते हुए एंजॉय करने वाली सीरीज, तो आप दमदार तरीके से आराम से एंजॉय करो। और हाँ, एपिसोड्स आएंगे, आप टेंशन मत लेना, हो सकता है कभी कभार गैप देखने को मिल जाए, ठीक है? अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि लगातार ही है, बाकी डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा, लाइक्स वगैरह होंगे, उतनी जल्दी वीडियोज में लाने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है? चलिए, और उम्मीद ये भी है कि बहुत सारे इसके ऊपर एपिसोड्स बनाओ। Sie müssen es irgendwo versteckt haben. Bestimmt haben Sie es noch nicht über den Kanal transportiert. Wir müssen weiter suchen. फिलहाल मेरा टास्क है कि ब्लू वाइपर से मुलाकात करना है, और डिफेंसेस को न्यूट्रलाइज करना, ताकि मैं आराम से अपनी लोग को यहाँ पे बुला सकूं। Should check the body. Rest now, brother. ये मुझे लग रहा है ना कि जैसे टाइम जिस तरह से आगे बढ़ता है, आप अगर नोटिस करो तो ये रात का माहौल नहीं है, ये भोर का है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे गेम में प्रोग्रेस करते जाएंगे, ये भोर से फिर सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, ऐसे आगे बढ़ेगा मुझे लगता है। फिलहाल मिलिट्री पेपर्स, शुड हैव अ लुक, सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अकॉर्डिंग टू दिस, the SS captured a resistance cell in the town last week. It must be Blue Viper's network. Oh, ye gate wahi hai jo abhi us taraf se khula tha, right? Aber er besagt offensichtlich. Ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen. Wir müssen noch die Waffen aus ihren Verstecken holen. Das dauert. Subsonic ammo? Nazis must have found it. Was wollt ihr? Put this to good use. Keep the shots quiet. Ammo. Okay, just like silenced ammo, right? Whistle. ये मैं बहुत miss करता हूँ हर सीरीज में। मुझे बहुत पसंद है distract करके enemies को और पास बुला के ठोकना। I love this man. अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी आप देखिए मैं कैसे कैसे काम करता हूँ यहाँ पे। ट्रैप लगा के ठोकना, स्नाइपर क्लिक करना, ये बहुत कुछ होने वाला है। एनीवे, स्विच कैसे करता है? होल्ड जी टू क्विक स्विच, क्विक स्विच एमो, राइट क्लिक, ओके, ओके, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि क्विक स्विच मुझे जाना था होता कैसे है। ओके, मैं भी जो इक्विप कर रखा वो है साइलेंट वाली, ठीक है? चलिए, बाय द वे यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको माहौल के साथ समझ में आएगी, लाइक
पिछले वाले सीरीज अगर आपको याद है तो ऊपर से प्लेन निकलता था, उसकी आवाज में छुप के हम गोली मारते थे अगर हमारे पास साइलेंस्ड वेपन या साइलेंस्ड पिस्टल वो एमओ नहीं है तो। लेकिन इस बार कुछ और भी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपने ट्रेलर में अगर देखा है तो आपने नोटिस किया होगा, लाइक जो यहाँ पे गाड़ियां होती हैं उनको हम सैबोटाज करते हैं, उनको थोड़ा सा उनमें खुरपेची करके ताकि वो आवाज करें और उनकी आवाज में छुप के हमें एक बंदा था यहाँ पे इनको ठोक सकूं। राइफल मिसिंग अ स्कोप स्टिल यूजफुल। Got to secure my contact. Can't just leave them to die if they've been captured. ये रहा। Just wait, buddy. एक तरीका इस्तेमाल करें क्या? करके देखते हैं। वेट अ सेक बॉय, आपने उसकी राइफल उठा रखी है शायद। मुझे एक काम कर, मुझे उसको बुलाना होगा इस बंदे को यहाँ पे। जंप ना, शिट बाल बाल बचे हो। जस्ट वेट बॉय, वेट वेट वेट। वेट, एक चीज और करना होगा, ये सीखना जरूरी है। उस ट्रक को डैमेज करना, शिट। वेट 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 वेट। इस गाड़ी को थोड़ा सा खराब कर रहा होगा ताकि वो आके चेक करे यहाँ पे या फिर नहीं। Easy boy. ये बदतमीजी पूछ आएगा नहीं, इसे ठोकना ही पड़ेगा। मुझे समझना पड़ेगा कैसे काम करता है ये ट्रक पे लगाने के बाद, उसको ट्रक को सैबोटाज करना पड़ेगा, फिर बम लगाना पड़ेगा, फिर कैसे काम करता है। एनीवे पहला एपिसोड है, माफ करना भूल चुक जो भी होगी, एक बार ट्रेनिंग अच्छे से कर लूँ उसके बाद तो। वेट अ सेक बॉय, ये रास्ता वही है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक काम करो ना वहां चलते हैं, अगर पॉसिबल तो उसको वहीं ठोक देंगे। Was für eine Aussicht. Sowas gibt's in Österreich nicht. Hasta la vista. Ja, schon. Baby. Take it easy, boy. Happy trails, Hans. That'll be where they're holding the resistance. Got to get past these Nazis and get inside. Okay. Take it easy.
को मारूंगा तो पास में ही है वो लोग। आराम से रुक जाओ अभी, या फिर चलते हैं ना, दूर से शॉट मत लो, चलते हैं। ये शॉट दूर वाले है भी नहीं, थोड़ा ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं। Come on now, brother. Müssen wir etwa noch mehr Gräber ausheben? Warum machen die das eigentlich nicht selbst? Die sterben doch sowieso. Easy, easy. Je eher sie brechen, desto eher ist es vorbei. Die sollen noch... Wow. Das ist brutal. Wir können sagen, was wir wissen wollen. थोड़ा करीब होता तो काम होता। एक मिनट। हेलो। कम ऑन नाउ बेबी। इधर तो कोई। तुम्हारा पास्ता पपीता यहाँ लेटा हुआ है, आ जाओ। एक सेकंड। This will come in very useful. Wissen die Idioten nicht, dass der Krieg für sie vorbei ist? Be harder to spot me in that grass. No usable item. All right. ऐसा लग रहा अंदर पार्टी चल रही है, किसी के हंसने की आवाजें। या नहीं, वो जाएगा नहीं वहां पे, रहने तो कोई बात नहीं, ठीक है जगह भी, यहां कोई नहीं आने वाला। Get in there before it's too late. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. Blue Viper. The weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. But I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. Now, the safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. इसका एक मैप भी काफी विशाल है, मतलब गांव है, गांव में घर होगा, बहुत ही बदसूरत सा पीले रंग की टारगेट्स नियरली इन साइट, पीले रंग की दीवारें हैं उस पे, और वहां पे कोई मार्सेल नाम का बंदा जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो छुपा हुआ है, हमें वो रिट्रीव करना है। हम नॉर्थ साइड से जाके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मुलाकात। इसका मतलब ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, यानी हम आगे अंदर, हम अंदर से इसको खोखला करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी हमारी टीम संभालेगी।
नाइस प्लान यार, गुड प्लान। एनीवे बोल्ट कटर, पता है यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें भी हिडन होती हैं, आपको बहुत संभल के आगे बढ़ना होगा। ये बस ऐसा नहीं है कि आप गन उठाओ और Can hear voices through those walls. Should focus. Get an idea of their position. अब गन उठाओ और आगे बढ़ते जाओ, जस्ट लाइक IGI था, ऐसा नहीं है। IGI के मतलब वो कर रहा हूं मैं, तारीफ कर रहा, बुराई नहीं कर रहा हूं। IGI वही चीज नहीं था कि अब गन उठाओ आगे कभी तुरंत मरोगे, वो तो शायद ही कोई होगा आप में जो जिसने खेला नहीं होगा, वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गेम जो हमने खेला है, और ऑब्वियसली थर्ड पार्ट भी उसका आने वाला है। सो या, सो यही है, यहाँ पे आपको टैक्टिक्स प्लान्स के साथ काम करना होता है, आराम से आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके अपडेट होते आते हैं वैसे वैसे, जैसे चीज़ें आप आगे कैप्चर करते हो या फिर उस पड़ाव पर पहुँचते हो, कई चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। टारगेट जो रिकोपिन बोल्ट कटर, देखा आपने, अभी मैंने अगर वहाँ पर बोल्ट कटर मिस कर दिया हो तो मुझे ब्रेक करना होता, यही चीज़ें हैं। तो बहुत ध्यान से खेलेंगे इसे। Good night, brother. क्या हमें इस good place to check my weapons before hitting the field. Stock up on supplies as well. Oh. Customize करने का ऑप्शन पहले था कि नहीं, मुझे याद। पावरफुल है, कंट्रोल खराब है, पावर थोड़ी बढ़ जाएगी, बट मुझे पावर ज़्यादा कंट्रोल से अच्छी लगता है, ना कि पावर। पावर तो मैं काम कर लूँगा लेकिन कंट्रोल्स प्यार होने चाहिए ताकि शॉट वहीं लगे जहाँ मैं चाहता हूँ, वरना अगर एक एक शॉट के बाद अगर मिस हो जाता है तो फिर कवर ब्लोन होने का डर होता है। जस्ट लाइक द लास्ट ऑफ अस टू, राइट। खैर ये गन है हमारे पास, जूम भी है, मैग्नी, ये अपग्रेडेड वर्जन है, उल्टा हम ये यूज करेंगे ये वाला, और इसको कस्टमाइज कर पाऊँ मैं। साइट ठीक है, साइट चेंज नहीं करना है, नहीं साइट, एक सेकंड, मल्टीपल जूम ऑप्टिक्स अभी कौन सा लगा हुआ है, ये लगा ना मल्टीपल वाला, हाँ ठीक है, ग्रेट विजिबिलिटी बट सिंगल जूम लेवल है, नहीं सिंगल से काम नहीं चलेगा, मुझे मल्टीपल चाहिए होगा। एक काम करें क्या, मल्टीपल नहीं सिंगल लेके चलें क्या, इस बार सिंगल लेके चलते हैं क्योंकि शॉर्ट्स प्यारा लगेंगे उससे, नहीं चलो मैं अब उसको एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। खैर बैरल एक्सटेंडेड है, हैवी करने पे प्रॉब्लम ये है कि रिक्वायर, लेकिन नहीं रहने दो। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर किसी को मैं शॉट की गोली मारता हूँ तो नहीं रहने दो, जान दो, रिस्क है इस पर लेके, स्टैंडर्ड इशू। एंड ये लॉक है अभी, लेदर पैड, व्हाट इज लेदर मैक पाउच, नहीं ये नहीं कर सकता मैं, लेदर पैड, स्लोअर रिलोड, एम स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन स्लोअर रिलोड, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है इससे, कहीं लिखा तो नहीं हुआ इम्प्रूव है। लगा लो, रिलोड मैनेज कर लेंगे, वैसे भी हम एक बार में एक गोली चलाते हैं उसके बाद रिलोड करने का मौका मिल जाएगा अपने को, जब फाइट में हो गए तो दूसरी गन, वो दूसरी वाली वो यूज़ इस्तेमाल करेंगे, ये वाली नहीं। शॉर्ट ट्रेवल ट्रिगर, फास्टर रेट ऑफ फायर, नहीं इसमें नहीं चाहिए, बाकी मुझे लगता है सारी लॉक्ड होंगी, सारी लॉक होंगी, हाँ पता है। चलो व्हाट इज दिस, ग्रेट आयरन साइट, क्विक टाइम टू एम, स्लो ऑटोमेटिक फायर, पावर कम है, रेट ऑफ फायर कम है, नहीं यार लफड़ा होगा तो यही गन कम आएगी, वो वाली नहीं। इसमें स्टैंडर्ड लॉक पड़ी हुई है, सब कुछ लॉक है क्या, ठीक कोई बात नहीं। बाकी जो थर्ड है ये वाली, ये मैं पावरफुल एंड वर्सेटाइल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, राइट। मुझे ऐसा लगता है जो गन जितनी आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको उतने ही पॉइंट्स के मिल रहे हैं, शायद उसकी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। आप नोटिस किया, मैं ये दोनों गन बाकी एक बार भी यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए दोनों का कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ है। Can make two of my gear at any other workbenches I find. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the job. Rifle. No scope. Keeps things interesting. I think चलना चाहिए, हमें यहाँ पे काम हो चुका है, right? चलिए।
Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! That radar tower is still operational. Objective complete. Back on track. There's the radar. Looks like the air didn't. इसका मतलब हम अकेले हैं. सारा मिशन हमें संभालना होगा. ये शायद स्टोरी का पार्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि फिर हमारी टीम वहाँ पे आती, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह हमला होता, शायद वो ये नहीं चाहते थे. एनीवे हमें यहाँ बढ़ना है उसके. लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो, ये एरिया भी खाली नहीं है. ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये विलेज, आई थिंक ये विलेज एरिया होगा. यहाँ पे ये सब जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे है, खास होगा. मे बी आइटम्स, मे बी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है. एक मिनट, लास्ट सीरीज में स्किल ऐसा कुछ था क्या? यहाँ पे स्किल इंट्रोड्यूस कराया गया है. बॉडी इक्विपमेंट, व्हाट इज बॉडी, लॉन्गर यू आर इन फोकस द लॉन्गर इट टेक्स फॉर द इफेक्ट टू वेयर ऑफ. ओ दैट्स ग्रेट. हेल्थ बूस्ट, एक्स्ट्रा हेल्थ, फोकस रेंज बढ़ जाएगा इससे. ये बढ़िया. रिड्यूस द हार्ट रेट, नाइस वन यार. और क्या क्या है? हार्ट रेट इज व्हेन यूजिंग एड अनदर एक्स्ट्रा हेल्थ, मूव फास्ट, नाइस. इक्विपमेंट, एमो कैन बी रिमूव फ्रॉम फाउंड वेपन्स, दैट्स ग्रेट. इंक्रीज कैरी लिमिट फॉर ग्रेनेड, ये कैरी लिमिट के लिए होगा और एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करने के लिए होगा. कॉम्बैट मेडकिट कैन बी यूज्ड टू रिवाइव योरसेल्फ व्हेन, ये चाहिए मुझे ताकि मैं डाउन हो तो एटलीस्ट संभाल सकूं खुद को. एनिमीज आर स्कोप टैक्ट व्हेन दे डैमेज यू, बढ़िया. नो टाइम टू ब्लीड. सेकेंडरी वेपन्स कैन बी यूज्ड व्हाइल, ठीक है. फिलहाल अभी तक ऐसा कोई पल, जहाँ तक मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट में शायद ही ऐसा पल आया हो जब मेरी हालत ऐसी हुई हो. बहुत ही रेयर चांस में हुआ होगा क्योंकि मैं बहुत ही शिद्दत और मोहब्बत से खेलता हूँ स्नैपर वाले ये गेम्स, खास तौर पे बहुत ही आराम से, बहुत ही साइलेंटली एकदम घुस के खेलता हूँ. सो बहुत ही रेयर चांस हुआ होगा ऐसा कहीं मौका आया हो कि मुझे गोली लगी हो, मैं डाउन हो गया और मैं शॉट ले रहा हूँ. ये बहुत कम होता है इसमें और हिटमैन में, ये दो तो बहुत. स्टडी हैंड, स्कोप शेक फ्रॉम टेकिंग डैमेज इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस, ये तो शॉट लगने पर है ना. वो कहाँ था जहाँ पर गोली निकाल सकते थ्रो नियर बाई ग्रेनेड, नहीं वो नहीं. स्कोप शेक मीन्स स्कोप टैक्ट, इसमें एक था ना शायद, ये था एमो कैन, हाँ ये कर लेते ताकि जब जो भी हमें गन मिलेगी एनिमीज की उसमें से हम स्कोप वो निकाल पाएंगे. खत्म हो गया स्किल पॉइंट, ओके. हम उसमें से गोलियां निकाल पाएंगे. I'll have to do this the old fashioned way. हमें पिलर ये डिस्ट्रॉय करना है रडार का. अच्छा ये पिलर, इसकी बात हो रही है शायद, ये पिलर है आई थिंक. ये पिलर डिस्ट्रॉय होगा तब जाके वो धड़ा, ये धराशायी हो जाएगा. मैं ये कर, हाय बेबे, ये करना होगा. एक्सप्लोसिव, यही हमला यहीं से होता है. कोई है नहीं यहां पे, कैसे हो सकता है? अब आगे बढ़ते बढ़ते सीधे टैग होंगे अभी यहां क्लियर. कोई लुकी लुकी नाउ स्नाइपर, ओके. पहले मुझे लगता है कि जो स्नाइपर भाई साहब उनको टपके, लेकिन मेरी गन इतनी पावरफुल नहीं होगी, यहाँ तक मारक क्षमता इसकी नहीं होगी. 340 मीटर डैमेज करना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए मेरे लिए. स्कोप मेरा मैक्सिमम जूम है, ये उससे और आगे नहीं बढ़ा सकता मैं इसको. मैं शॉट लेने की कोशिश करता हूँ. ये 346 मीटर है, ये बहुत टफ शॉट होगा बट आई कैन ट्राई. थोड़ा सा ऊपर जाके हल्का सा
आप लोग हरकत में क्यों आ गए? मैंने यार जो यूज किया गन वो चेंज कैसे हो गया ये सब सोनिक से? बॉय ओ बॉय, नो प्रॉब्लेमो, नो प्रॉब्लेमो। कोई और शॉट लेते लाइक लंग शॉट और ओ शिट इज डाउन ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम टेक इट इजी बॉय। आई थिंक 3 मार्क किए थे मैंने कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है एक चीज यहां सीखने को मिली है कि जब भी आप गन चेंज करोगे या फिर अपग्रेड करोगे तो आप जो भी आपने इस पे डिफॉल्ट लगाए हो मतलब डिफॉल्ट से हटाए होंगे उसे एमओस वगैरह वो वापस डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाएंगे। ये हमें याद रखना होगा। यही होती है ट्रेनिंग ना, जो गलतियां कर रही है ट्रेनिंग में कर लो क्योंकि ये गलती सिर्फ एक बार। K98 ये लिखा था ना शायद K98 के आपकी फेवरेट गन है शायद। ओके बेबी अच्छा हमने बहुत सारे टाइम पे रोड छोड़ दिया। देख रहे हो वहां पे गाड़ी आ रही है। हाँ ये बहुत सारे टाइम पे रोड छोड़ा मैंने। एनीवे यहां पे किसी के होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ के देखता मैं जंप dir mal an, wie groß das Ding ist und wie groß die Woher kommt hier Wappe? Wait, 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 wait. Du gerade sagen, du könntest nicht mal einen Joint holen. Moment mal. Is gun se goli nikalti bhi ya nahi nikalti hai? Koi baat nahi. Maine pehle bola na ek galti sirf ek baar. What is this? Combat. रिलैक्स बॉयज, सिचुएशन संभाल लेंगे हम, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। पहला एपिसोड ट्रेनिंग मोड की तरह लो आराम से। आई कैन सी यू नाउ। डैम इडियट, मूव कर गया वहां से। वो मुझे आगे की तरफ खोज रहे होंगे, उस तरफ यहाँ यहाँ पे कोई नहीं है, बाहर निकले खोज रहे होंगे शायद। देयर यू आर, कम ऑन बॉय, कम टू डैडी। स्लीप वेल। एनिमी हंटिंग, कोई एक ही रहा, वो मार्क नहीं हो रहा बट ये है आसपास ही रहा। ये आपको आपको शैडो दिखी होगी हल्की सी वहां पे है ये। ऑल क्लियर,
das? Come on, Abol. Komm, Baby. घुमा के लेने का मजा ही कुछ और है। दप्पा। फोर पिस्टल एमओ स्टैंडर्ड। Can I use? Oh boy, I love this man. Come on, I thought he great now. Badhiya, badhiya. So यहाँ ने कोई मकसद तो होगा ये जगह यूं ही थी या नहीं मैंने पहले ही कहा था हर जगह कुछ कुछ ना कुछ ये छुपी हुई है हर जगह कुछ ना कुछ है आप वो घूमना है कहीं कुछ छोड़ो मत शायद वहां डेड बॉडी मिली है उन लोग को मैंने वो छुपाया नहीं था ना वहां वाली डेड बॉडीज को वेट लेकिन मुझे इसने नहीं देखो ये और देख लुकी लुकी नाउ बट उसने भी नहीं देखा मुझे कोई अब समझ में आया यहां पे एनिमीज का पूरा गढ़ होगा किसी और का वो था जो नोटिस कर रहा था मुझे Enemies become more alert the longer they see you. Yeah, baby, yeah, I know you. I know that. But मुझे आपके enemies से बच के आगे बढ़ना है ना मैं वो भी यहाँ पता है अगर ये जो रैंक आपको दिख रहा है स्टार वो रैंकिंग ऑफिसर मतलब ऑफिसर है वो अगर मैं उसको ठोक देता हूँ ठोक दूँ ना तो इनके जो मोराल है वो डाउन हो जाएंगे जो बाकी उसके बंदे हैं वहाँ पे पहले मुझे लेकिन यार एक तो जो बंदा बाहर तो अभी अंदर जा चुका है मुझे बहुत ही सावधानी से यहाँ फाइट करना होगा वरना पंगा बढ़िया जा बुलाने वाला था तुझे मैं अरे तुम नहीं उसको बुला रहा हूँ मैं दूसरे वाले को बढ़िया 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 If I plant explosives on the radar's pillars, I should be able to bring it down. I can find some in the Germans' ammo crates. No more to find here. अरे shit! अच्छा वो shot नहीं लिया मैंने वहाँ पे दो बैठे हुए एक खड़ा एक बैठा हुआ है उसको ठोकते ही वो देख लेगा मुझे इसको हटाना पड़ेगा शायद यहाँ तब वरना अगर मैं उसको बुलाने वाला हूँ तो वो आ नहीं पाएगा फिर इसको देख लेगा आके बॉडी कहीं यहाँ फेंकनी पड़ेगी अरे यार ट्राई तो कर यार कमाल करते हैं आप
trenches should keep me out of sight. Get me closer to the radar. कुछ है मेरे पास जो मैं Better stay alert. Tiller mine. Pressure mine. Q mine. Lure mine. Lure mine 30 seconds. Bottle. Use lure. वो चिपके ही बैठ गए यार तुम लोग तो मतलब कैसे बैठे हुए देखो इसे पिछवाड़े पे गोली मार दो मन कर रहा है ओके इजी बॉय इजी ये काम कर सकते हैं सुनो अगर इस गन से गोली मारूंगा तो रिलोड होने में बहुत टाइम लेता है दूसरी गोली पे तो एक काम करता है पहली गन से इसको ठोकता है तीसरे से ठोकेंगे जस्ट लाइक दैट बेबी जस्ट लाइक दैट जस्ट लाइक दैट ऑल क्लियर मैं मैंने ऐसा क्यों किया मैं को दिखाता हूं अगर आप ध्यान से देखो इस गन को मैं ऐसे मार दे ठीक है अब ये इतना वक्त नहीं था मेरे पास दैट्स व्हाई कुछ किया जाए इनको या फिर एनीवे मुझे इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है सो फाइन ओके आराम से आसपास कोई भी नहीं है बॉटल मिडल को टू ए मिडल टू थ्रो इन्वेस्टिगेट बॉटम ओके आई नो दैट ऑलरेडी थैंक यू सो मच कोई एक तो और है यहां पे जो मैं बाहर निकल रहा हूं तो टारगेट मेरे ऊपर कर रहा है वो छुप के कहां बैठा है मुझे वो नहीं पता साइलेंस्ड PO8 मोबिलिटी कम है रेट ऑफ फायर अच्छा है मैं इसको उठा सकता हूँ आई थिंक साइड आर्म नाइस एंड क्विक अच्छा लग रहा है ये नहीं इसको फेंको नहीं मतलब एक गन अगर दोबारा उठा नहीं पाऊंगा उस गन को फेंक दिया तो ये क्या बात हुई अच्छा था वो गन आना सॉरी ब्रदर बट तुम्हें आगे आना चाहिए था आसान मौत मिलती यहां किसी को मार्क किया था वो बंदा गायब हो गया क्या मैंने गन से मार्क किया था अगर आप किसी को गन से मार्क करते हो ना तो कुछ सेकंड्स के लिए होता है फिर वो हट जाता है तो मेक श्योर कि अगर आप इस गेम को खेलो कभी भी खेलो या खेल चुके हो खेल रहे हो जैसा भी तो हमेशा दूरबीन का इस्तेमाल करना उससे वो मार्क हटेगा नहीं बट गन से मार्क करते हो तो कुछ ही पलों में हट जाएगा वो दो है यहां पे किल लिस्ट डिस्ट्रॉय मैं कहाँ घूम रहा हूँ मैं आप ठीक है काम करते हैं ना पहले पिलर वाला काम खत्म करते हैं मैं सबसे नज़दीक इसके हूँ ये हो जाए उसके बाद गांव चल के फिर वापस वहाँ जाएंगे ठीक है
ऐसे करते पहले इनको निपटाते जो यहाँ पे दो चंबूरे खड़े हैं। ये रहे। I don't know, एक गोली में दोनों मरेंगे नहीं मरेंगे, इसलिए मैं रिस्क लेना सही नहीं होगा। एक काम करता है, एक को बुला के आगे दूसरे को पीछे से लेते हैं। साइलेंस के नाइट कमाल करता है यार, डरा दिया तूने। के 98 देख रहा था मैं साला। वाओ ब्यूटीफुल। और ये साइलेंस थे और उसमें 8 गोलियां हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें इनको। अरे अभी तो मार्क किया था यारा। वेट अ सेकेंड, यहाँ दो बंदे थे शायद ना, ये एक चला गया। अच्छी बात है, बट इसका जूम लेवल बहुत कम है भाई। डिस्टेंस कितना है, 147 मीटर। 200 मीटर पे काम करेगा नहीं करेगा ना। आ वेट अ सेक, एक और है यहाँ पे, एक और मुर्गा घूम रहा है कहीं पास पास। गोली भी रूल फॉलो करती है, एक कान में घुस के दूसरे कान से बाहर निकलने वाला। एक छोटा सा डाउट है पता है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा है, एक स्नाइपर है जो यहाँ पे था, जो मैंने मार्क किया था, वो हट चुका है पता नहीं कैसे भाई। आई डोंट नो, वो खतरा पैदा कर सकता है। सर्च लाइट्स कवरिंग द एंट्रेंस, आई बेटर कीप आउट ऑफ साइट। मैं जहाँ मुझे थोड़ा करीब जा रहा हूँ ताकि उसको। अरे यार शिट, कम ऑन नाउ ब्रदर। लेकिन वो जाएगा, हाँ वो जाएगा, बट वो नीचे नहीं जा रहा है, वो चारों तरफ बस घूम रहा है। या आई नो थोड़ा सा ये है, कम क्लाइम ना बाबा। क्या हो गया, इसकी खोपड़ियां टूटने की आवाज उस तक गई होगी ना कि नहीं, और अगर नहीं गई है तो आस्ता ला भी। पांच गोलियां बची इसमें अभी भी। व्हाट आई शॉट, ओके वेट अ सेक। एंट्री तो सही हो गई। इसके चैम्बर में 8 गोलियां आई और सारी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। के पास से कोई रिलोड नहीं होगा, एक बार ये गोलियां खत्म तो खत्म। That was limb shot. I was going for the testicle shots, man. But it's fine. It's totally fine.
इसकी जरूरत वैसे थी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी डेड है, मतलब मर चुके हैं वो, लेकिन बढ़िया। ओह हाय डियर, लिम्प शॉट, सीरियसली। एक और ट्रक कभी भी डैमेज, कोई तो और आएगा, एक और। बड़े काम करते, जब तक वो आते नहीं है तब तक मैं इनका एक दूसरे से संपर्क करने वाला साधन खत्म कर देता हूं। ना रहेगा अलार्म, ना बचेगा बाजा। आई थॉट इसमें से मैं वो निकाल सकता हूँ बुलेट, बट मैं निकाल पा नहीं रहा हूँ। आई डोंट नो क्या तरीका है उसका, बट ठीक है जो भी है फाइन। वह मुझे आइडिया नहीं है, पिलर के ऊपर जाके वो डिस्ट्रॉय करने का ऑप्शन है, कहाँ पे लगाना है, ये रहा पे है ये, ठीक है बढ़िया बढ़िया। आई थॉट मैं गलत जा रहा हूँ, बढ़िया ठीक है, सही है सही है, ये रहा। Taking out the supports will bring the radar down. Satchel charge on each of them should do the job. Light fuse slow. Don't want to be here when the last charge goes off. Quick. A well-placed shot from the ground might be the best way to trigger it. बचा है बाकी टास्क जाके, लेकिन यहां से वहां तक जाना इतना आसान नहीं होगा, यहां कोई फास्ट ट्रेवल नहीं होता, तो ये कोई आसान काम नहीं होगा, बट ठीक है मजा आएगा। लेकिन ऑलराइट, सो यहां से बढ़ते मैं आगे निकलूंगा और अपने सेकेंडरी टारगेट पे आगे मूव करूंगा। लेकिन क्या हमें इस वीडियो पे 4000 लाइक मिल सकते हैं, देखते हैं। टारगेट रखते हैं 4000 का, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, एनिमीज को क्लियर करते हैं और मूव करते हैं अगले टारगेट की ओर। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बहुत बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।